नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया, आज हिंदी सत्र में दो शेयरिंग से अनुरेखा जैन दीदी और हेमलता जैन दीदी अपनी बात को रखेंगे। पहले हम हेमलता जैन दीदी से दीदी की बात सुनेंगे। दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर है एट आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा। दीदी ने फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2016 में किया था, तो मैं अभी हेमलता दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात को रखे। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता जैन है और अभी मैं इस समय आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक डॉटर है 10 इयर्स की, और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, और इसके अलावा मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनके भी दो बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी ने अभी 10th पास किया है और बेटे ने 12th पास किया है। तो जैसा कि अभी भैया ने बताया कि यूएचवी के साथ मेरी जर्नी तो काफ़ी टाइम पहले ही शुरू हो गई थी। फर्स्ट वर्कशॉप मैंने 2016 में हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से की थी, और उसके बाद फिर मैंने यूएचवी 2 भी अटेंड किया 2018 में। बट उसके बाद वर्कशॉप अटेंड करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी समझ बढ़ी। बट उसके बाद मेरे जॉब में एक थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड आ गया। मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेसफुल रहने लगी और मेरी गति एकदम से रुक गई, हॉल्ट आ गया मेरी गति में एकदम से। वो लगता है मुझे वो डार्क पीरियड था, तो उसमें मेरी कुछ गति बन नहीं पाई। उसके बाद 3-4 साल बाद मेरा अभी ट्रांसफर आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, तो वहाँ पे फिर मेरा कांटेक्ट डॉक्टर ज्योति कुशिश मैम से हुआ, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग सेशन के बारे में बताया। तो उसके बाद मैंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया, पिछला मॉर्निंग सेशन भी मैंने अटेंड किया था। तो मॉर्निंग सेशन अटेंड करने से मुझे बहुत बेनिफिट मिला, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, और एक बूस्टर की तरह काम करने लगा जब मैंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया। हालांकि पिछले मॉर्निंग सेशन के बाद मेरी शेयरिंग तो मैंने नहीं करी थी, कुछ थोड़ा हेजिटेंट फील कर रही थी मैं, और मुझे लगता था कि अभी इतनी गति तो बनी ही नहीं है, क्या शेयरिंग करना, इस तरीके से मुझे फील होता था। तो मैम से जब मुलाकात हुई तो मैम ने जब मॉर्निंग सेशन के बारे में बताया, तो मैंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया, और कभी कोई डाउट होता था तो मैं मैम के साथ भी डिस्कस करती रही और अभी भी करती हूँ। तो जिन बिंदुओं पर मेरी समझ नहीं बन पाती थी तो मैं मैम के साथ डिस्कस करती थी, तो मैम के साथ डिस्कस करने से मेरे को काफ़ी सारी चीज़ों पर, काफ़ी बिंदुओं पर मुझे क्लैरिटी बनी है। तो इसके लिए मैं ज्योति मैम को आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं यही सोचती थी, मैं अपना अंडर इवैल्यूएशन कर लेती थी। ये मुझे ये लगता था कि जब तक कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है तो, और मेजर शिफ्ट ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे फैमिली के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, और इस तरीके से फील होता था। लेकिन अब मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि जितनी समझ मेरी बड़ी है उसके साथ भी मैं अपना सहयोग कर सकती हूँ, अपने से बड़ी भागीदारी में सहयोग कर सकती हूँ। तो इसी के लिए मैंने लास्ट 3-4 वर्कशॉप्स में वॉलंटियरिंग भी शुरू करी। इससे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। और एक और मुझे मेजर शिफ्ट अपने आप में भी दिखा है कि पहले क्या होता था कि जब मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करती थी तो मुझे लोगों का बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, और अगर कुछ नेगेटिव दिखता था और मुझे लगता था कि ये इसका फेशियल एक्सप्रेशन नेगेटिव है और वो पर्सन वैल्यूएबल नहीं है, या उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है, या वो पर्सन मुझे स्पेस नहीं देता या इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो मैं भी उसको इग्नोर करती थी, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी। तो मेरे मन में ये आ जाता था कि
बहुत एटीट्यूड है, इंटरेक्शन मैं उससे नहीं करती थी, बट अब डिस्कशन से और ये बहुत अच्छी क्लैरिटी बन गई है, तो ये सारे फैक्टर्स अब मुझे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो अब मैं व्यवहार में ये देख पाती हूँ कि अब मैं ये स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ कि सभी मानव के साथ मुझे अपना संबंध बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जब मैं अपने सराउंडिंग्स में या कॉलेज में इंटरैक्ट करती हूँ, तो सभी के साथ मैं इक्वल और या समता का भाव में रख पाती हूँ, क्योंकि तो मुझे ये समझ में आया कि सेल्फ के लेवल पर तो हम सभी एक हैं। बस कॉम्पिटेंस लेवल पर या एक्सप्रेशन के लेवल पे हम डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये मेरी अभी समझ बन पाई है। और सुबह के सत्र से जिन बिंदुओं पर मेरी समझ बनी है, तो मानव के बारे में मुझे ये समझ आया कि मानव बॉडी और सेल्फ का एक को एग्जिस्टेंस है, और मानव ही ऐसा है प्राणी जिसमें हमें जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना की जो कॉम्पिटेंस हमें दिखाई देती है, और कंटिन्यूस हैप्पीनेस की जो डिजायर है वो हमारे अंदर बनी हुई है लगातार। प्रकृति के बारे में मुझे ये समझ आया कि प्रकृति अपने आप में एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है, एक सिस्टम है, और पहले पहले मेरा प्रकृति के प्रति काफी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन अब जब ये समझ में आया कि प्रकृति तो अपने आप में ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो अब मेरा प्रकृति के प्रति भी काफी अट्रैक्शन हुआ है, मुझे दिखाई देता है। जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं, या मेरी डॉटर भी कुछ किसी चीज को के लिए बहुत ज्यादा जिद करती है, तो मैं उसको भी गाइड करती हूँ कि ये हमें अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति खराब होती है। और अस्तित्व के बारे में मुझे ये समझ आया है कि अस्तित्व में चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो ये पूरा अस्तित्व में भी ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है, और जो करने वाला काम है वो ज्ञान अवस्था में ही है। मानवीय आचरण हमारा बन जाए, सही समझ स्थापित हो जाए, संपूर्णता का ज्ञान हो जाए, और हम अपने आप में ये समझ स्थापित कर पाए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर पाए और दूसरों को भी समझदार बना पाए, ये मानवीय आचरण ट्रांसफॉर्म हो पाए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो ये मुझे समझ आया है मानव प्रकृति और अस्तित्व और मानवीय आचरण के बारे में। और उसके अलावा एक्सरसाइज 1, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, इससे मेरे को काफी हेल्प मिली। अब मुझे एक्सरसाइज, जब मैंने इस एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दिया, पहले तो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने जब पहले वर्कशॉप करी थी तो उसकी बहुत प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन अभी जब मैंने सेशन अटेंड किया है तो मुझे मेरा ध्यान गया है। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ पाता है कि मेरी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, इच्छा विचार आशा में क्या चल रहा है, और इसके पीछे मेरा भाव भी क्या है वो भी मैं पकड़ पाती हूँ। और ये भी स्पष्ट मैं देख पाती हूँ कि जो मेरा भाव है वो मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और ये समझ आ जाता है मुझे कि अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं दुखी हो जाती हूँ और मैं स्ट्रेसफुल फील करती हूँ। और ये भी मुझे दिखाई देख पाती हूँ मैं आपकी इस वक्त इस क्षण मुझ में जो भाव चल रहा है, इसका निर्णय तो मेरा ही है, निर्णय और किसी का नहीं है, ये मेरा ही है, जो भी मैंने निर्णय किया है ये मेरा ही निर्णय है। तो अब मैं ये इवैल्यूएट कर पाती हूँ कि अगर मेरा जो निर्णय है समझ के आधार पर होता है तो मैं सुखी रह पाती हूँ, न समझ के हिसाब से नहीं होता है तो मैं सुखी नहीं हो पाती हूँ। लेकिन प्रयास मेरा निरंतर यही बना रहता है कि मैं अल्टीमेटली अपने आप को संबंध में ही देखना चाहती हूँ, व्यवस्था में देखना चाहती हूँ, भाव में देखना, व्यवस्था के साथ जीना चाहती हूँ। और मैं आइडेंटिफाई तो कर पाती हूँ कि इस क्षण मेरा भाव संबंध का है कि व्यवस्था का है, अर्थ में है या नहीं है। तो इस तरह से मतलब काफी शिफ्ट मुझे दिखाई तो दे रहा है कि मैं अपने आप पर काम कर पाऊँ, V2 ब्लॉक से मैं V1 ब्लॉक में शिफ्ट हो पाऊँ, और
कोशिश मेरी पूरी बनी हुई है, दिखाई भी देता है कि थोड़ा चिंतन की प्रक्रिया थोड़ी सी एक्टिवेट होती मुझे नजर दिख रही है। इसको मैं अपनी फैमिली के एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में पहले मुझे जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके जो बच्चे हैं जो उनका लुक आफ्टर हम लोग ही करते हैं, तो पहले मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बर्डन की तरह फील होती थी। मुझे ये लगता था कि अब तो ये पूरी लाइफ ये बर्डन फील करना है और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैं रहती थी, बहुत इरिटेट रहती थी और संबंध का भाव भी मेरे अंदर बहुत नहीं था। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब भी मैं बियर कर ही रही थी लेकिन उस टाइम पे मुझे बर्डन फील होता था। अब लेकिन ये एक मेरे को शिफ्ट मिला है कि मैंने अब उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं उसको सहज रूप से बियर भी कर पा रही हूँ और सहज रूप से भाव के साथ मेरे सिस्टर लॉ के साथ उनके बच्चों के साथ मैं जी पा रही हूँ। और स्पाउस के साथ भी पहले मेरे काफी कॉन्ट्राडिक्शन रहते थे क्योंकि मुझे लगता था कि हस्बैंड के अंदर बहुत लैक ऑफ कमिटमेंट और हर चीजों को लेके कमिटमेंट नहीं है और प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट बहुत है, हर चीज को वो डिले करते हैं। तो इसके लिए भी मैं काफी मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट होता था कि यू आर नॉट कमिटेड फॉर एनीथिंग, बट अब मुझे समझ आ गया कि इंटेंशन तो साउंड है बट ड्यू टू द बिजी शेड्यूल और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, या क्योंकि हर व्यक्ति का कॉम्पिटेंस तो डिफरेंट होता है, तो अब मुझे समझ आ गया। तो अब मुझे अगर वो अब उनका कमिटमेंट नहीं कर पाते पूरा या फिर किसी भी काम में डिले होता है या प्रोक्रेस्टिनेशन होता है तो उसके लिए अब मैं इरिटेट नहीं होती। पहले मुझे मैं बहुत इरिटेट होती थी। तो ये जो शिफ्ट है वो मुझे बहुत अपने अंदर दिखाई देता है। इससे मैं अपने आप में पीसफुल सिचुएशन में रह पाती हूँ। पहले मैं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहती थी, अब मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहती हूँ। और एक्सरसाइज टू से भी मेरी बहुत समझ बनी है, मैं और शरीर के बीच होने वाला जो आदान प्रदान है, मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान है उसको भी मैं स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ। पहले 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 ये था कि मैं डिफरेंशिएट मैं नहीं कर पाती थी कि सेल्फ और बॉडी अलग है, सेल्फ और बॉडी अलग है। अब मैं देख पाती हूँ कि सेल्फ और बॉडी दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और दोनों एक अलग अलग वास्तविकता है। बॉडी केवल एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है और मटेरियल थिंग है, और सेल्फ बॉडी को केवल इंस्ट्रक्शन देता है और इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं। जैसे हमें कब सोना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या पहनना है, ये सब डिसीजन मेरा ही होता है। अब ये स्पष्ट रूप से मुझे दिखता है। तो हो सकता है कि अभी भी कुछ संवेदना का इम्पैक्ट तो है ही, तो इसकी वजह से वो डिसीजन सही समझ के आधार पर तो हमेशा नहीं हो पाता है। तो और ये भी दिखाई देता है कि सेल्फ मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना से अलग हूँ लेकिन फिर भी मैं संवेदना को रीड कर पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ। मतलब मैं ये देख पाती हूँ कि सेल्फ मेरी संवेदना को रीड कर रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि अब जो मेरी समझदारी बनी है कि जो मेरी इच्छा विचार आता है या संस्कारों में जो समझ है उसके हिसाब से अगर मेरा विचार चलता है तो मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, लेकिन अभी उसमें इतनी कंटिन्यूटी नहीं है रिस्पॉन्स में, रिएक्शन और स्लिपिंग तो अभी होती है। ऐसा मैं देख पाती हूँ कि बाहरी परिस्थिति का प्रभाव अभी मुझे अपने अंदर दिखाई देता है। तो कुछ जो ऐसे संस्कार हैं जैसे कि गणेश सर ने भी चार संस्कारों की बात करी थी कि डोरमेंट संस्कार होते हैं हमारे, वीक संस्कार होते हैं और डाइवर्टेड और एक्टिव। तो मैं ये देख पाती हूँ कि कुछ डोरमेंट हमारे मेरे जो संस्कार हैं या वीक संस्कार हैं उनको मैं भी उन पर अभी काम बाकी है, तो उनको मैं भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश और प्रयास में लगी हुई हूँ जिससे कि
मैं आगे की गति और स्पष्ट रूप से दे पाऊं। ये समझ में तो मुझे अच्छे से आ गया है, स्पष्ट हो चुका है कि ये डिसीजन तो मेरा ही है, मैं ही सीयर हूँ, मैं ही डूअर हूँ और मैं ही इंजॉयर हूँ और डिसीजन मेरा ही होता है। तो अब मुझे ये समझ आ गया है, स्पष्टता हो चुकी है कि मुझे थोड़ी और सूक्ष्मता बढ़ाने की जरूरत है, मुझे थोड़ी और अवेयरनेस की जरूरत है। चेंजेस तो काफी अभी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। पहले अगर मेरी बॉडी में कुछ कोई भी डेफिशिएंसी या कुछ भी डिजीज अगर हो जाती थी, जैसे मुझे न्यूरो प्रॉब्लम रहती थी, अगर मेरी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। मुझे लगता था कि अब ये बॉडी में तो ये हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी इमेजिनेशन पे ही पड़ता था। मैं बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती थी और लेथार्जिक फील करती थी और इनएक्टिव भी हो जाती थी। लेकिन अब जब मेरी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ये देख पाती हूँ कि ये प्रॉब्लम तो बॉडी की है, मेरी नहीं। तो इससे मेरी हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होती है, मैं हार्मोनाइज रह पाती हूँ। और ये मैं देख पाती हूँ कि ये प्रॉब्लम तो बॉडी की है और बॉडी बॉडी की बॉडी तो मटीरियल थिंग है, तो उसमें प्रॉब्लम हो ही सकती है। तो मैं तो उसके फिर होलिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में मैं और कैसे क्योर होगा या इसको कैसे प्रॉब्लम को अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो उस पर मेरी इमेजिनेशन फिर चलती है। और दूसरा एग्जांपल अभी मैं लेटेस्ट एक कोट करना चाहूंगी, बॉडी से ही रिलेटेड है। अभी 3-4 दिन पहले अभी हमारे घर में एसी हमारा खराब हो गया, तो मैकेनिक ने मना कर दिया कि एसी अभी सही नहीं हो पाएगा। तो एसी खराब होने के बाद मेरी इमेजिनेशन में यही चला कि ठीक है, नहीं सही हो पाएगा तो, क्योंकि एसी तो वैसे भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है और ऐसा तो नहीं है कि हम एसी के बिना सो ही नहीं सकते हैं। और अगर हम इंस्ट्रक्शन देंगे बॉडी को तो आराम से हम रह सकते हैं या एसी के बिना भी हम सो ही सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी इमेजिनेशन आई। उनको मतलब पहले ये होता था कि अगर कोई फिजिकल फैसिलिटी में प्रॉब्लम आती थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा ये मुझे बहुत चेंज देखने को मिला है कि अगर कोई फिजिकल फैसिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई नुकसान हो जाता है या फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो अब मेरे पास मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। पहले मैं बहुत पहले बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता था जब कोई फाइनेंशियल लॉस या इस तरीके का कुछ लॉस हो जाता था। तो ये मुझे शिफ्ट मिला है। काम तो अभी और भी काफी करने का है। और पिछले 4 महीनों में जो मुझे अपने अंदर परिवर्तन देखने को मिला, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं ये देख पा रही हूँ कि अब मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सुख एक स्वभाव है, प्रभाव नहीं। और अभी जब मैं सेशन अटेंड करती थी तो मैं रात को डेली यही सोचती थी कि अगर कौन सी ऐसी बाहरी चीजें हैं जिनसे मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ, उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। तो मैं ये देख पाती थी कि सुख का सोर्स मेरे भीतर ही है, बाहरी चीजों से हम अपने सुख को इंश्योर नहीं कर सकते। तो ये भी मेरी समझ बनी है। और अब मैं देख पाती हूँ कि मुझे सुखी होने के लिए व्यवहार करना है या सुखी करने के लिए व्यवहार करना है। तो मैं ये देख पाती हूँ कि मुझे अब हमेशा सुखी होने के लिए व्यवहार करना है। तो इसी आधार पर फिर मैं अपने इमेजिनेशन को डायरेक्ट डायरेक्शन भी देती हूँ। तो ये स्पष्टता अब मेरे अंदर बनी है कि मेरे सुखी होने के लिए पहले मुझे लगता था कि हस्बैंड ठीक हो जाए, फैमिली ठीक हो जाए, बाहरी परिस्थितियां ठीक हो जाए तो मैं सुखी हो पाऊंगी। और लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी हैप्पीनेस अपने आप खुद इंश्योर कर सकती हूँ और कर रही हूँ। तो मेरे सुखी होने के लिए अब मैं ठीक हो जाऊं, ये मैं और सही भाव मेरे अंदर स्थापित हो जाए और मैं परता में ठीक तरीके से जीने लग जाऊं। तो अभी इसका इम्पैक्ट 100% तो नहीं है, कोशिश अभी प्रयास जारी है और मैं दूसरों के साथ भी सहयोग करता हूँ, ये भी मेरा प्रयास है। तो अब मेरे मेरे सुख में बाहरी परिस्थितियों
अब मेरा सुख जो है बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं है, मैं अपनी हैप्पीनेस को अपने अंदर एंश्योर कर पाती हूँ, बट इसमें स्लिपिंग तो अभी होती है। और अब मुझे किसी चीज का टेम्पटेशन नहीं होता है कि सुखी सुखी होने के लिए मुझे आउटिंग पे जाना है या बहुत घूमने जाना है या कहीं खाना खाने जाना है, बाहर रेस्टोरेंट में जाना है, तो अब मुझे किसी चीज का टेम्पटेशन भी नहीं होता। खाने को लेकर तो टेम्पटेशन बिल्कुल नहीं है, मतलब अब अट्रैक्शन उन्हीं चीजों को खाने के लिए होता है जो मेरे स्वास्थ्य के हित में है या बॉडी के हित में है। तो ऐसा मेरी समझ बन पाई है। और कमिटमेंट की मैं अगर बात करूं तो मैंने जो अभी वॉलेंटियरिंग शुरू करी है, तो अभी ये तो मेरा अभी लर्निंग फेज ही चल रहा था, तो अभी मैं आगे अपनी वॉलेंटियरिंग को मैं बढ़ाना और चाह रही हूँ और चाहती हूँ, जिससे कि मेरी समझ और बढ़े और मैं खुद की समझ बढ़ा पाऊँ और दूसरों की भी मैं समझ बढ़ा पाऊँ। और अब मेरा यह प्रयास रहता है कि फैमिली में भी मैं अपनी इस बात को पहुंचा पाऊँ। इसके तहत मैंने जो मेरा भांजा है जो हमारे साथ रहता है, तो उसको भी मैंने स्टूडेंट वर्कशॉप करवाई थी। और अब कॉलोनी में भी मैंने अपने कॉलोनी में और सराउंडिंग्स में भी अपने इंटरेक्शन को बढ़ाया है। पहले मुझे लगता था टाइम ही नहीं है तो कैसे इंटरेक्शन को बढ़ाएं और क्या बात करें, ये समझ ही नहीं आता था। तो अब मैंने कॉलोनी में भी इंटरेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाया है और बेटी के प्रति भी मुझे ये जिम्मेदारी समझ में आती है कि उसे भी एक जिम्मेदार और समझदार बनाना है। तो मेरी पूरी प्लानिंग है कि उसको भी वर्कशॉप अटेंड करवानी है। हालांकि वो भी सुनती रहती है, देखती रहती है कि मम्मा अटेंड करती हैं, तो उसकी भी थोड़ी 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 समझ में डेवलप कर रही हूँ। और फ्रेंड्स के साथ भी मैं शेयरिंग करती हूँ। मैंने अपनी भाभी को भी पहले जब वर्कशॉप करी थी तो अपनी भाभी को भी मैंने वर्कशॉप करवाई थी। तो मुझे लगता है कि जितनी हमारी समझ बढ़ी है उतना भी थोड़ा सा सहयोग मैं कर पाऊँ। और उसके साथ सबसे ज्यादा कमिटमेंट तो अभी ये है कि अभी अपनी समझ को बढ़ाने में अभी बहुत और काम करना बाकी है। और सामाजिक भागीदारी करने के लिए मैं अभी और पहले से ज्यादा थोड़ा सा समय लगाना चाहूंगी। यूएचपी टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो भी मेरे अकॉर्डिंग कुछ सहयोग बन पाए तो मैं सहयोग करने के लिए भी तत्पर हूँ। और समय के लिए कहूंगी कि अभी समय ना फिक्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जितना समय मैं दे पाऊंगी परिवार के हिसाब से या अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से, मैं उतना समय देने के लिए तत्पर हूँ। और अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए और समाज में सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ। तो भैया मैं इतना ही कहूंगी और इतना इसके साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। यूएचपी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया दीदियों की शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखें। भैया ओवर टू यू। जी, नमस्ते सभी को। हेमलता जी ने भी बहुत अच्छे से शेयर किया और जी, दीदी बहुत अच्छे से शेयर किया। हर एक बिंदु को लेकर उन्होंने बात रखी, अभ्यास एक और दो को भी लेकर उन्होंने बात रखी। और आनंद कॉलेज आगरा में है, आनंद कॉलेज में काफी संभावना है, एक समय वो नोडल सेंटर बनने की भी बात हो रही थी। और वहाँ जी ज्योति जी भी हैं, तो आप लोग मिलके कुछ प्लान करें। हम लोग AKTU में 3 डे और 5 डे वर्कशॉप के लिए प्रपोजल भी मांग रहे हैं, तो आप देखिए अगर आनंद कॉलेज में प्लान होता है तो आप बताइए नियर फ्यूचर में। जी अभी भैया, AICT की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए मेल भी आया हुआ है सभी डायरेक्टर्स को, आप एक बार डायरेक्टर से मिलके बात कर लीजिए। तो जो भागीदारी के लिए और अवसर की बात कर रही थी, तो एक अच्छा अवसर रहेगा अगर आप पूरे कॉलेज को एक नोडल सेंटर के रूप में डेवलप करने का काम करें। और अभ्यास एक और दो का जो अगला सत्र होता है उसको भी अटेंड करें। तो ये सुबह का जो सत्र है एक तरीके से हमारे लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, और साथ में भागीदारी के अवसर तो दिन भर बने हुए जी भैया, जी। तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई जी। बहुत यशवंत बहुत भैया धन्यवाद भैया आपका। थैंक यू भैया, धन्यवाद।
जी बढ़िया दीदी।